नमस्कार दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है एक और नई वीडियो में। करण इन कैनेडा यूट्यूब चैनल करण आपका फिर से स्वागत करता है। एंड बीच में गैप हो गया था, सॉरी उस चीज़ के लिए, एंड वापस आ गया हूँ। हर कोई मेरे को ना इंस्टाग्राम पे मैसेज करता है, कमेंट्स करता है वीडियोस में कि भाई साहब करण भाई रूम ढूंढ दो, करण भाई रूम ढूंढने में हेल्प कर दो, करण भाई रूम कैसे ढूंढे। सबसे बड़ा जो यहाँ पे चक्कर है ना, हाउ टू फाइंड एकोमोडेशन, कैसे एकोमोडेशन ढूंढे, अच्छी हो बुरी हो। देखो एक चीज़ बता दूँ, एकोमोडेशन अच्छी होगी या बुरी होगी वो आपको यहाँ पे आने के बाद पता चलेगा, जब आप खुद एक्सपीरियंस करोगे। ओके, एंड देन एकोमोडेशन में आपको रूममेट्स कैसे मिलेंगे वो भी डिपेंड करता है कि जब आप उनके साथ रहोगे आपकी वाइब मैच होगी या नहीं होगी। बहुत सारे सरकमस्टांसेस होते हैं, इसलिए मैं कहता हूँ कि यहाँ पे आने के बाद ही पता चलता है कि रूममेट्स कैसे होंगे, एकोमोडेशन कैसी होगी, फैसिलिटीज़ कैसी होंगी। सो बेसिकली ये तो वेदर है भाई, वेदर देख लो पहले। और आप लोगों ने बहुत प्यार दिखाया मेरी नई वीडियो में, TR वाली वीडियो में आपने बहुत प्यार दिखाया। मतलब स्टार्ट मेरी काफ़ी वीडियोस थी जो इतनी लंबे टाइम तक मतलब 1000 क्रॉस नहीं कर रही थी या व्यूज़ नहीं आ रहे थे। सो अभी आगे चलते हैं, यहाँ पे 2-3 चिंके खड़े हैं। सो मेरी काफ़ी वीडियोस थी, काफ़ी लंबे टाइम तक चैनल की रीच नहीं आ रही थी, चैनल गिरा पड़ा था। एंड आप लोगों ने फिर से प्यार दिखाया, उस सब के लिए धन्यवाद 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 कह रहा, धन्यवाद। आप लोगों ने फिर से चैनल को खड़ा करा, मेरी हरकतों की वजह से चैनल डाउन हो गया था, क्योंकि मैं रेगुलर वीडियोस नहीं बनाता जैसे बनाता था। अगर मैं मेहनत करता और वैसी वीडियोस बनाता तो आज तक 10-15 हज़ार सब्सक्राइबर्स हो जाते, पर नहीं, चलते, कोई बात नहीं। पीछे के समय को रिग्रेट नहीं करते, नेवर लिव इन पास्ट, ऑलवेज थिंक अबाउट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। सो सबसे जो बेस्ट वेबसाइट है ना एकोमोडेशन ढूंढ रहेगी वो है फेसबुक मार्केट प्लेस, ठीक है। फेसबुक मार्केट प्लेस पर आप जाओ, ठीक है, उस पर लिखो कि बेसमेंट फॉर रेंट। वहाँ पे ना रेडियस लिखा होता है एक कि कितने किलोमीटर के दायरे में आपको घर चाहिए या बेसमेंट चाहिए, जो भी टाउन हाउस या कोंडो वोंडो जो भी लेना आपको, या प्रॉपर घर लेना है, तो उसमें लिखा होता है कि कितना है रेडियस। तो अगर आपको जैसे ये मेरा एरिया है सरी सेंट्रल वाला, रोड क्रॉस करते हैं, तो जैसे ये मेरा एरिया है, ठीक है, सरी सेंट्रल वाला, तो इसको बोलते हैं वाली वाली वार्ड एरिया, किंग जॉर्ज वाली वार्ड में जो मैं रहता हूँ, ठीक है। मेरा घर 1 किलोमीटर दूर है सरी सेंट्रल से, बस 1 किलोमीटर, जो कि 10 मिनट की वॉक है, ठीक है। तो इस एरिया में घर मिल जाते हैं 450-500-600-700 डॉलर में, शेयरिंग रूम, ठीक है। तो वो रेडियस सेलेक्ट करना पड़ता है, वो अपने आप हो जाता है जब आप उधर जाओगे, तो आपको कम ज़्यादा करने का ऑप्शन होता है। तो फेसबुक मार्केट प्लेस में आप किसी भी एरिया में घर ढूंढ सकते हो सिटी डाल के, या अगर आप कनाडा में आने के बाद आप किसी रिलेटिव के पास हो तो आपको घर ढूंढना, तो आप सिटी डाल तो आपकी वो ऑटोमेटिकली लोकेशन ले लेगा। अगर आप ऑलरेडी सरी में हो, टोरंटो में हो, ब्रैम्पटन में हो, कहीं भी हो, रेजाइना में हो, अगर आप इंडिया में बैठ के ढूंढ रहे हो देन आपको वहाँ पर लोकेशन चेंज करनी पड़ेगी, देन आपको घर मिल जाएगा। वो लोकेशन भी ऊपर से हो जाती है, लोकेशन टाइप एक टैब होता है उसमें हो जाती है, एंड आपको घर मिल जाता है। एंड आप बोलोगे कि कैसे पता करें कि घर अच्छा है या बुरा, अगर हम इंडिया में बैठे हैं तो, भाई अगर आपको कोई रिलेटिव है ना तो उसको बोलो कि जाके घर देखा है, ठीक है, और सारी इंस्पेक्शन करा कि घर कैसा है और हाउसमेट्स कैसे हैं, अगर आप शेयरिंग कर रहे हो रूममेट कैसे है, अगर प्राइवेट रूम तो प्राइवेट रूम कैसा है, शेयर बाथरूम है या नहीं है, प्राइवेट बाथरूम है, सब चीज़ों को देख के, लॉन्ड्री है या नहीं, क्योंकि वो चीज़ें बहुत मतलब बाद में तंग करते अगर आप लोग नहीं देखते। अगर आपके यहाँ पे कोई भी नहीं है देन भगवान भरोसे चीज़ें होती हैं, आप आओगे यहाँ पे सब चीज़ें फिगर आउट करोगे कि क्या है क्या नहीं है, एंड देन आपको पता चलेगा। सबसे बड़ा स्कैम हाउसमेट्स का होता है कि कई बार हाउसमेट्स हमको नहीं मिलते, बस कई बार क्या मोस्ट ऑफ द टाइम लोगों को, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हमारी वाइफ हर किसी के साथ मैच करेगी या उनकी वाइफ हमारे साथ मैच करेगी। तो ऐसे ही था, तो घर अच्छा हो तो कई बार लोग फेक फ़ोटोज़ भी अपलोड कर देते हैं, तो वो बात भी होती है अगर आपको कोई है नहीं तो, एक
काइंड ऑफ गैम्बल सा होता है। तो मैं ये बोलूँगा कि कनाडा में आके एयरबीएनबी बुक करो, दो तीन दिन एयरबीएनबी में रहो, डे वन से आप अपनी मार्केट प्लेस पर सर्च जारी रखो, यहाँ पे घर विजिट करो, देन आप घर फाइनल करके आओ सब कुछ जानने पहचानने के बाद। दूसरी एप्लीकेशन है KGG.com। आज तक मैंने कभी यूज़ नहीं करी। हाँ, मैंने घर आज तक नहीं बोलूँगा, मैंने एक दो दिन यूज़ करी है, पर मेरा विश्वास उठ गया, क्योंकि ठीक है यार, मार्केट प्लेस जितनी वैरायटी नहीं है, एंड मेरा ट्रस्ट मार्केट प्लेस पे था। KGG भी वेरीफाइड ऐप है, गवर्नमेंट से ही है, एंड काफ़ी ज़्यादा एजेंसीज भी है यहाँ पे जिनके थ्रू आप घर देख सकते हो, काफ़ी सारी एजेंसीज हैं। ओके, तो ये थी कुछ चीज़ें जो मैंने आपको बताई, घर कैसे ढूंढते हैं, बेसिक एवरेज रेंट कितना है, अगर आपको एक शेयरिंग में रूम चाहिए तो सारी जैसे शहर में 550-600, ठीक है। वैंकूवर में अगर आपको शेयरिंग में छोटा सा रूम चाहिए दैन 600-700, अगर आपको प्राइवेट रूम चाहिए सरी में दैन 700-600-650-750-800, अगर आपको प्राइवेट रूम वैंकूवर में चाहिए प्रॉपर सिटी में दैन 1100-1200, अगर आपको पूरा वन सिंगल बेसमेंट रूम चाहिए दैन इट विल बी 1400-1500, अगर आपको पूरा घर चाहिए दैन इट विल बी $3,200-$3,400। ये ट्रूडो के राज में है, आज से 4-5 साल पहले, या जब पियर पोलिवियर हाउसिंग मिनिस्टर था, देन एक सिंगल बेसमेंट जो था, सिंगल रूम बेसमेंट, वो सिर्फ $800 का था, सिर्फ $800, सोच रहे हो। और वही अब ट्रूडो के राज में $1,600-$1,400-$1,800 सरी में मिलता है, जो एक घर $3,000 का भी आपको मिल रहा है पूरा घर रेंट में, वही हाउसिंग मिनिस्टर के राज में, पियर पोलिवियर के राज में अराउंड $1,500-$600 में मिल जाता था। तो महंगाई काफ़ी बढ़ चुकी है ट्रूडो के राज में। ये एक्सपेक्ट मत करना कि नेक्स्ट ईयर प्राइम मिनिस्टर चेंज होगा तो हाउसिंग बहुत ज़्यादा नीचे गिर जाएगी, नहीं, होप फॉर द बेस्ट। अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करो, वीडियो को शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, 2600 सब्सक्राइबर होने वाले हैं, 3000 सब्सक्राइबर के बहुत ज़्यादा करीब है। टिल देन, डू व्हाटएवर यू वांट टू डू, डोंट ओवरलुक द मोमेंट। बाय बाय गाइस।